बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं नाश्ते के साथ शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आमलेट। आमलेट में मैंने डाला था नमक, कुटी मिर्चें, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसे फ्राई पैन में डाल दिया है। तेल थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, 3 से 4 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसे हम बना लेंगे और दोनों साइड से पलट के इसको निकाल लेंगे। इंसान अपने लिए कम, अपनी औलाद के लिए ज़्यादा जीता है। औलाद की खुशियों में अपनी खुशियाँ महसूस करता है। औलाद की तकलीफ से ज़्यादा खुद दर्द महसूस करता है। अल्लाह सबकी औलाद को लंबी सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे। इसे दुनिया की मोहताजी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। यह हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। आप लोगों को दुआ पसंद आए तो कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। ये मेरा ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पंसूरा वगैरह पढ़ती हूँ। सूरह यासीन में मुसलसल पढ़ती हूँ। तो सूरह यासीन पढ़ी, सूरह मुजम्मिल पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद अपने किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं लंच कर रही हूँ। सिर्फ मैंने चिकन बनाई है और थोड़ी सी बीन्स मैंने बॉईल करी थी और उसमें मैंने डाली थी काली मिर्ची और नमक डाल के मैंने इसे लंच में खाया था। लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज डिनर में बनाऊँगी चिकन, जो बहुत मज़ेदार और जल्दी बनने वाली है। चले देखते हैं। आज की वीडियो में लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो झटपट बनने वाली है। आपका मूड नहीं है खाना बनाने का बहुत ज़्यादा, जिसमें मेहनत लगती हो, झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं। मज़े की होगी, डिनर भी अच्छा बन जाएगा, बच्चों को और हस्बैंड को भी पसंद आएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्या हमने लिए चिकन और इसे मैंने धो के वाश कर लिया है। वाश करने की रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ये हम डालेंगे एक बॉल में। अगर आप बोनलेस ही रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो बोनलेस से बहुत जल्दी बन जाती है। क्या हमने लिए मसाले। कश्मीरी मिर्ची 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, कुटी मिर्ची 1 टेबल स्पून, जीरा मैंने थोड़ा सा लिया, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। ये सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है धनिया और थोड़ी सी सौंफ, 1/2 टेबल स्पून धनिया लिया, 1/2 टीस्पून सौंफ। इसको मैं कूट लूँगी। ये हम इसमें डाल देंगे और हम डाल देंगे लेमन जूस। ये पूरा मैं लेमन डाल दूंगी। इन सब चीजों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। इसके लिए मैंने मैसे छोड़ दूंगी आधा घंटा। आधे घंटे के बाद हम आगे बताते हैं। एक पैन गरम कर रही हूँ, इसमें मैंने डाला ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। चिकन को आधा घंटा हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, हिला के डालेंगे। हम इसे 2 मिनट एक साइड से पका लेंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसे पलट दूंगी। दो मिनट में इस साइड से भी पका लूंगी तेज आंच पे, ताकि दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसे दम पे रखूंगी 8 से 10 मिनट, कि चिकन हमारी अंदर से गल जाए। मैं दम पे रखूंगी इसे लो फ्लेम पे, कि चिकन हमारी अंदर से गल जाए। तो हम 10 मिनट के बाद इसे देखते हैं। ये देखिए, मैं इसे खोल के देखती हूँ, चिकन हमारी गल गई है और मैं आँच तेज करके इसको भून लूंगी।
ये देखिए चिकन कर लीजिए, ये हमने इसे अच्छा से भून लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी प्याज मोटी कटी हुई, प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर देंगे। एक मिनट भून लेंगे प्याज के साथ। ऊपर से मैं डाल दूंगी लेमन जूस। ये देखिए जी हमारी रेडी है, अब मैं डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए जी हमारी चिकन रेडी है और ये बहुत मजे की स्पाइसी बनाई है मैंने। स्पाइसी वगैरह अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। तो ये मटर पुलाव चाइनीज राइस के साथ बहुत मजे की लगती है, और अगर आप बिल्कुल देसी स्टाइल करना चाह रही हैं तो दाल चावल के साथ भी अच्छी लगेगी। बनाई यहाँ पे सादे राइस और दाल है तो मैं इसके साथ सर्व करूँगी, और बहुत मज़े की और यम्मी बनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनी है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चों को बड़ों को दोनों को पसंद आएगी, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि अपने बालों का सीक्रेट बताएं, तो आज मैं अपने बालों का सीक्रेट बता रही हूँ। तो बहुत ईजी है, आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके किचन में मौजूद नहीं हो, तो बहुत ईजी आसान है, तो मैं आपको बताऊँगी। और इसी तरह आप करेंगे तो आपके बालों का मसला, तमाम मसले हल हो जाएंगे, आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, और अगर दो मुंह का मसला हो रहा है, बालों में दो मुंह निकल रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे सफ़ेद होना, और बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, काले होंगे और मजबूत होंगे। तो फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या यूज़ करना है। यहाँ मैंने लिया है खाली बाउल, इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना, मेथी दाना लूँगी मैं 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा कूट लूँगी, मैंने कूट लिया, मैं एक बोल पे डाल दूंगी स्पून। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1/2 टीस्पून कलौंजी, कलौंजी डाली मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं डाल दूंगी पानी, या मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैं इसे पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी, पूरी रात इसको हम भीगो छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे और छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। ये देखिए जी, इसे हमने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, अब मैं डाल दूंगी एक बाउल में, इसे मैं पका लूंगी। यह मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इस पानी में मैं इसे पकाऊंगी, मेथी और कलौंजी का सारा असर पानी में आ जाए, तो मैं इसे पका लूंगी अच्छी तरह। तो जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे धीमी आंच करके 5 मिनट पकाऊंगी, फिर उसके बाद ठंडा कर लेंगे। ये देखिए जी ये पक रहा है, मैं इसे धीमा कर दूंगी और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए जी हमने इसे पका लिया है, मैं इसे छान लूंगी। और मैं इसे छान के किसी बोतल में भर लूंगी, ये हमने छान लिया, मैं इसे ठंडा करूंगी, ठंडा करने के बाद फिर मैं आगे बताऊँ। ये देखिए हमने इसे ठंडा कर लिया, अभी इसे इस्तेमाल करना है तो हल्का गर्म कर लीजिएगा, तो ये हल्का गर्म है और ये मैं डाल लूंगी किसी बोतल में। ये
इसे रख दें फ्रिज में और 15 से 20 दिन यूज़ करें, फिर दूसरा बना लें। इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून निकालें अपने बालों के हिसाब से। डालूंगी कैस्टर ऑयल, आप ये वाला भी डाल सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके पास ये है वो ये यूज़ कर ले। और मेरे पास दोनों हैं, कैस्टर ऑयल ब्लैक वाला भी, जमैकन वाला भी, तो मैं ये यूज़ करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और इससे बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बाल गिरना बंद होते हैं और बालों की सारी प्रॉब्लम इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये हम लेंगे और ये बहुत गाढ़ा होता है तो हम थोड़ा सा ही लेंगे। ये देखिए जी, वन एंड हाफ टी स्पून। आप लोग अपने बालों के हिसाब से लीजिएगा, अगर लंबे बाल हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बना सकते हैं, अगर छोटे बाल हैं तो कम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। और ये नीम गर्म है पानी, पानी में कभी भी ये मिक्स नहीं होगा, लेकिन हमें इसे फिर भी मिक्स करना है। इस पानी को लगाना है अपने पूरे बालों में, बालों की जड़ों में लगाएं अच्छी तरह, फिर पूरे बालों में लगाएं, मसाज करें अच्छी तरह बालों की जड़ों में, अपने फिंगर पोर से अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करने के बाद कम से कम 5 मिनट तो मसाज करें, 5 मिनट मसाज करने के बाद इसे छोड़ दें पूरी रात के लिए, फिर सुबह उठ के वॉश कर लें। जो भी शैम्पू या फिर कंडीशनर यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है। जिन बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना बालों का सीक्रेट बताऊं, तो ये मैंने बता दिया है। अब ये यूज़ करें, सारी बालों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बाल घने होंगे, लंबे होंगे। और इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके बाल काले भी होंगे और स्ट्रेट होते जाएंगे। एक हफ्ता यूज़ करने से या 1 से 2 दफ़ा यूज़ करने से कुछ भी नहीं होगा, इसे मुसलसल तकरीबन 1 महीना यूज़ करें। आप आज से शुरू कर दें और 1 महीने के बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि बालों की ग्रोथ कैसी हुई और बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे 1 महीने के इस्तेमाल से। तकरीबन 1 महीना यूज़ करें, 1 महीने के बाद मुझे कमेंट्स करें आके। अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है, इसे आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद दूसरा बना लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है इमरजेंसी में, या फिर आप थोड़ी देर के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए कम से कम 1 रात ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरे ब्लॉग में उन्होंने मेरे बाल देखे थे, अगर आप वीडियो देखें मेरी तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये बनाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।